पंचायत अध्यक्ष पर हुए हमले में अभी तक आरोपी नहीं पकड़ाने पर सरपंच संघ हुआ लामबंद। एसपी के नाम सौंपा ज्ञापन। उज्जैन सरपंच संघ के द्वारा आज एसपी कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। विगत दिनों जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया के ऊपर हुए प्राण घातक हमले एवं पत्थरबाजी को लेकर दोषियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकेश पटेल एवं अन्य सरपंचों के द्वारा एसपी को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान भी की जाए। करण कुमारिया जी के साथ 7 अगस्त 2020 को उज्जैन बड़नगर रोड होकर अपने गाँव बमोरा जा रहे थे, तभी रास्ते में धर्मबंडा पर उनकी कार पर अज्ञात लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की, जिसमें उनकी कार का कांच फूट गया और हमलावरों द्वारा उनके ऊपर पत्थर भी फेंके गए, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। इसी विषय को लेकर सरपंच संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया। 7 अगस्त को हमारे सम्माननीय श्री जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया जी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अपने गृह गांव जा रहे थे, तो वहाँ कुछ बदमाशों ने उन पर हमला किया। तो वो हमला 7 अगस्त से आज कितनी 13 तारीख हो गई, अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अभी तक उसमें नहीं हुई, ना कोई अपराधी अभी तक पकड़ाया गया। तो हम सभी सरपंच और सभी संभागीय स्तर से सभी सरपंच संघ द्वारा ये यहाँ पे एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि जल्द ही उन दोषियों पे कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और श्री जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया जी को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना उनके साथ पुलिस की तरफ ना से हो। आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से, बस अभी तक आश्वासन ही दिया है। तो हम अभी सभी सरपंचों ने इकट्ठे होकर, हमारे नासिर पटेल जी ने, हमारे वरिष्ठ सरपंच साहब जगदीश ललावत जी, हमारे जनपद सदस्य वीरेंद्र दरबार जी और हम सभी ने इकट्ठा होके, सभी समस्त सरपंचों ने इकट्ठा होकर ज्ञापन दिया है। अभी आश्वासन ही मिला है। आपका नाम? मुकेश पटेल, सरपंच संघ संभागीय अध्यक्ष।